अरे मंजू चाय ले आई, वो भी कुल्हड़ वाली। सीखो कुछ। हाँ लीजिए सर। हेलो हेलो, डायरेक्ट कुल्हड़ बाइक MP01 2768 मेरे कॉलोनी के नाकाबंदी तोड़ कर भागी। वही लग रहा है क्या? आने दे। भाई आगे नाकाबंदी है। चंदन गाड़ी पिन्ना दे, रोकू मत। दुबे गाड़ी रोक। तोड़ दिया था बे साहब, क्या गाड़ी उड़ाया आपने? अम्मी कसम, अगर आप पुलिस में नहीं होते ना तो मैं अपनी गैंग में शामिल कर लेता। अमर अखबार एंथनी कहाँ है बे? पता नहीं था। भाभी जी का फोन है, सलाम बोलिए हमारा। चल बता क्यों और कितना लूटा? कितना लूटा पता नहीं साहब, हिसाब करना भी बाकी है। क्यों? महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था देख रहा हो ना साहब, ग्रेजुएट लोगों को नौकरी नहीं। हम तो अंगूठा छाप है, घर पर एक बूढ़ी माँ है, दवाई कपड़ा लत्ता सब कुछ कैसे पूरा करेंगे साहब? प्याज का दाम पता है क्या है? 40 रुपये किलो मालूम। क्या तीसरा आदमी कहीं है बता? अरे लहरारिया होगा कहीं ना कहीं, मिलते ही उससे हिसाब किताब करके आपका हिस्सा भिजवा दूंगा। गुप्ता, आसिफ और चंदन को कोर्ट ले जाने की तैयारी करो। आज आसिफ और चंदन को? सर 2 हफ्ते हो गए आसिफ और चंदन को पकड़े हुए, तीसरा अभी तक पकड़ा नहीं गया सर। हम उसे ट्रैक कर रहे हैं सर, अब तक तो वह बॉर्डर क्रॉस कर चुका होगा। देखिए जैसे हमने उन दोनों को पकड़ा है वैसे हम तीसरे को भी पकड़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मध्य प्रदेश सुरक्षित है। आसिफ और चंदन को कोर्ट ले जा रहे थे हेयरिंग के लिए, तो वहां बंदोबस्त के लिए अभिषेक जी नहीं थे क्या? ए रुक रुक रुक, ए रुक, पकड़ो इनको। इसमें तुम्हारी क्या गलती है अभिषेक, तुम थे क्या उस वक्त वहां पर? मोहिनी मुझे शायद होना चाहिए था। अभिषेक मेरी बात सुनो, देखो हर क्रिमिनल को पर्सनली तुम कोर्ट हेयरिंग में नहीं लेके जा सकते ना। लेकिन सर तो मुझ पे बॉम्ब फोड़ रहे हैं ना, कह रहे मीडिया वाले को कुछ देना होगा, क्या दे? अच्छा सुनो, रिलैक्स, बैठो बैठो। यू नो डिपार्टमेंट का पॉलिटिक्स, वैसे भी 2 ही हफ्ते का सस्पेंशन है, अच्छी बात है, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मोहिनी वो दोनों मेरे पुलिस स्टेशन के अंडर आते, मैं रिलैक्स कैसे रह सकता हूँ यार, आई हैव टू अरेस्ट देम। हाँ हाँ अरेस्ट कर लेना, तुमने पहले भी किया है और एक बार कर लोगे, वैसे भी इतना क्या अफेक्ट हो रहे हो तुम? तुम्हारा कोई डिप्रेशन का पेशेंट, तुम्हारे हिसाब से ठीक हो चुका हो लेकिन 1 महीने बाद वो सुसाइड कर लेता है, तो तुम रिस्पॉन्सिबल फीलिंग करो? दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर उन दोनों ने फिर से कोई क्राइम किया गिरफ्तार होने से पहले तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही फील करूंगा ना यार। कबड्डी प्रतियोगिता ग्राम पंचायत बंदा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है 2 टीम, एक बंदा गांव की टीम और एक सरवर गांव की टीम। कबड्डी कबड्डी पकड़ी, गुलाबी शर्ट वाले को पकड़, गुलाबी वाले को पकड़, हाथ मारो। कबड्डी कबड्डी और यहाँ
देखते हैं किसको आउट करते हुए निकलते हैं, जो कि मचक्कर करते हुए अमर और ये पंदा गांव में मुकाबला होते हुए चार का फासला देखते हैं आगे क्या करती है अपनी टीम के लिए। काफी अच्छा प्रदर्शन किया था पहले भी और आज देखते हैं किसको अपने आउट करके टीम में हिस्सा बनाते हैं सदस्य को सर्वर टीम से। काफी अच्छा लगता है क्या ऐसे निक्कर पहन के गांव के लड़कों के साथ कबड्डी खेलती रहे? अरे तो लड़कियां खेलती ही नहीं है गांव में, किसी के साथ तो खेलना पड़ेगा ना। किसी दिन हाथ पैर टूट गए ना या फिर मुंह में चोट लग गई तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहां की बात कहां लेके जा रहे हो पापा, कॉमनवेल्थ खेलना है मुझे, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना। क्या कहां खेलना पड़ेगा? हां कॉमनवेल्थ तो पता नहीं कहां होगा इंडिया में, कहां जाएंगे ना। अमेरिका चले जाओगी? देखो सब मिलकर सपने देखो, कोई कहीं नहीं जा रहा है, इसी गांव में पैदा हुए हैं यही मरेंगे सब। बहू तेरे मायके से जो देवांशी के लिए रिश्ता आया ना उसे हाँ बोल दे। मुझे नहीं करनी उससे शादी। सुनना कल तो शादी का नहीं कर रही है, शादी कर ले फिर हस्बैंड की परमिशन से स्पोर्ट खेल लेना। बस इसीलिए तो नहीं कर रही भाभी, परमिशन तो चाहिए ही नहीं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन होगा तो वो समझेगा। ओहो तब तुम्हारे लाने मिल्खा सिंह लेके आए? मैं तो एक को जानती हूँ। अच्छा हाँ मिल्खा सिंह नहीं है पर उससे कम भी नहीं। क्या हुआ भाऊजी से बात नहीं करे? नहीं 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 क्यों क्यों डर क्यों रही हो? चलो ना भाऊजी से बात करते रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे भाभी आपको एक बात पता है क्या, हर लव स्टोरी में ना एक विलन होता है। हाँ ये बात सही है। और हमारी मैं आप हूँ। हम विलन है? हाँ हम विलन है। हाँ तो हम विलन बनी जाते हैं। जाने भाऊजी को। अरे अरे भाभी मत तो जान से मार देगी यार, मैं वहां से करती हूँ। अरे ओ डरपोक कूद ना, वैसे तो बड़ी कबड्डी प्लेयर बनती है। भाभी डर लगता है। ओए हरियर प्रसाद चलना चाय पी के आते हैं। अरे रुकना यार पानी नहीं आया है। ऐसे कैसे हम रोज रोज पानी के लिए परेशान होते रहेंगे, ये रोज रोज का किचकिच हमसे बर्दाश्त नहीं होगा सोनू, इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला, ये लो मैं लाई हूँ एक बाल्टी पानी। कारे पगलिया ये एक बाल्टी पानी से हम पूरा खेत का सिंचाई करेंगे? ए सोनू इसका कोनो रास्ता निकालना पड़ेगा ठोस। सही बात, चलो बात करें। हाँ चलो आओ। अरे हरिहर जाने देना कुछ नहीं होगा, अरे उन लोगों को बोल के कुछ नहीं होने वाला। अरे पापा जब बात नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? तू तो चुप कर लड़का मत बन। अरे इतनी तेजी में कहाँ चले यार बे? अरे वो पानी के लिए बात करना है। कौन सा पानी बे? रोज रोज पानी रोक देंगे तो हम लोग अपने खेत की सिंचाई कैसे करेंगे, और वैसे भी पानी पे सबका अधिकार है। अधिकार चाहिए तेरे को? अधिकार चाहिए तेरे को? अरे अबे तुम दूसरे बरादरी के लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे आगे लड़ोगे? ज्यादा हकड़ी चढ़ गई तुझको यार, तुझे ज्यादा हक चाहिए। आले ना जीवन दीदी और बहन है जाके घर में उसको दिखाना बे। वो तेरा अभी भी पीछा कर रहा है। करने दे भैया दो गोल्डन कर।
अगर किसी को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। भैया क्या क्या हुआ आपको, इतनी चोट कहाँ से लगी? तुम ही आका कर, तुम दोनों घर जाओ, ऐसे अकेले शाम को गांव में घूमना ठीक नहीं। भैया प्रसाद भैया सोनू भैया ठीक कहाँ आप लोग, कैसे लगी आपको? तुम और प्रिया दोनों घर जाओ, हम तीनों को थोड़ी सी चोट आई है, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चल मेरी तैयारी तो चालू है, तू बता। ठीक है, मगरिब के टाइम के बाद मिलते हैं अड्डे पर, जमाते हैं वहां पर। अरे रहने रहने देवांशी, खाना खाने के बाद मैं लगा दूंगा। अरे बस हो गया दो मिनट। अरे पैर फिसल जाएगा तेरा। सरिता दोनों के दोनों जिद्दी पैदा किए तूने। एक तो लड़की अपने आप को लड़का समझती है, ससुराल जाएगी तो ताने भी हमें ही सुनने पड़ेंगे। रहने दीजिए ना, समझ जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाने दो। जैसे तेरा बड़ा बेटा बहुत समझदार हो गया आजकल, तो दोस्तों के साथ पिट के आ गया है। हरिहर को समझा, जात पात में बराबरी कभी नहीं आएगी। हो गया। बहुत जिद्दी लड़की है। अरे 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 अभी ऊपर अकेली कहाँ सोने जा रही है, ठंड लग जाएगी। रहने दीजिए ना, हर बात पे रोक टोक ठीक नहीं है। घर की बहू नंदिनी, उसी ने बॉडी को देखा सबसे पहले और उसके पति ने फोन किया था। ये कौन है सर? ये जो है ये हरिहर है और वो नंदिनी। नमस्कार सरपंच साहब। कैसा है दरोगा? बस मेहरबानी साहब आपकी, पूरे घर को पेल दिया गया। हाँ ये मामला ब्रेकिंग न्यूज वाला लगता है। जिसने भी किया दरोगा बड़ा जोर वाला है, पूरे गांव के रिटायर्ड है। नहीं मुझे तो ये मामला लूटपाट का नजर आता है सरपंच जी। क्या दरोगा जी, या क्या बकवास कानून व्यवस्था है आपके राज्य में? हमारे बिरादरी के परिवार वालों पे हमला होगा? तमाशा बना के रखे हैं आप। अरे पूरे का पूरा फैमिली खत्म कर दे रहे हैं लोग। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ पे हिलेंगे नहीं। हरिहर तू चिंता मत कर, पूरी मुक्ति सेना तेरे साथ है। हरिहर तुम हमारे जात भाई हो, हम तुम्हारे परिवार को इंसाफ दिला के रहेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों भाई, क्यों
पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सर मामला बहुत सीरियस हो गया सर, वो पहला अपनी सेना लेके यहाँ पहुंच चुका है सर। सर ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा, मामला बिगड़ जाएगा सर, मामला पॉलिटिकल हो जाएगा और मीडिया भी पीछे पड़ जाएगा सर। जी सर, जी सर, मैं जल्दी करवाता हूँ सर, क्रियाक्रम जल्दी करवाता हूँ। जी सर, जी चलो चलो, पीछे हटो, पीछे हटो आप लोग, पीछे हटो, पीछे करो सबको, पीछा करो, पीछे लो, पीछे हटो, पीछे करो सबको। देखो अभिषेक, अभी तक जितने भी एविडेंस मिले वो यही इशारा कर रहे हैं कि आसिफ और उसकी गैंग का काम है। सर आसिफ के गैंग वालों ने अभी तक जितने भी मर्डर किए हैं चाकू का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल हो रहा है, ये उनका स्टाइल है ही नहीं सर। हाँ तो स्क्रू ड्राइवर यूज करने के लिए उन्हें स्पेशल परमिशन चाहिए क्या? चाकू से मारे हैं या स्क्रू ड्राइवर से मर्डर तो हुआ ही है ना अभिषेक? लेकिन सर अभिषेक, तुम तुरंत निकलो अपनी टीम को लेकर, वैसे भी 2 साल पहले 2 चोर तुम्हारे हाथ से निकल चुके, सो यू शुड अरेस्ट देम, पकड़ो उन्हें और डालो जेल में। सर रवि, हाँ चोरी क्या कहा? चोरी, हाँ चांदी की प्लेट, 20,000 नगद, 1 सोने की चेन, 1 कान की बाली, 4 कंगन, 1 घड़ी, 2 मोबाइल, 3 बल्ब। बल्ब? हाँ रिपोर्ट में लिखा है। और मोबाइल का चार्जर, 1 भगवान की मूर्ति, 1 पूजा की थाली जो पीतल की थी, कुल 17 आइटम। तुम कहाँ थे? साहब हम, हमारी औरत नंदनी, हम लोग 2 गली छोड़ के रहते हैं। क्यों? इतना बड़ा घर है, यहाँ पे तो आराम से रह सकते थे। कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा का मामला नहीं है। असल में हमारी बुआ रहती थी, गुजर गई, तो उनके गुजर जाने के बाद घर खाली पड़ा था। आप माने ना माने, ये कौनो डकैत का काम नहीं है, हमारे गांव के जो सरपंच है ना गोपाल, उन्हीं का काम है। हाँ FIR में नाम लिया था तुमने उसका? जी सर। कोई खास वजह? साहब वो लोग हमको डराते हैं, धमकाते हैं, दबा के रखते हैं। अब इन 2 हफ्ते पहले हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ये रखो। इस हरियर को ना पानी में हक चाहिए। यहाँ की लोकल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्या? साहब ये गांव है, यहाँ सब उनका चलता है। रपट लिखाने जाते तो क्या होता, अभी कुछ दिन पहले हादसा तो हुआ था, जल्दी जल्दी में सब कुछ अंतिम संस्कार करवा दिए, कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिए। तो प्रहलाद भैया हमारे साथ थे तब तो आप लोग यहाँ तक आए। चलो गाड़ी में सामान रखो जल्दी और निकलो यहाँ से। लेकिन पापा मेरी ट्रेनिंग? अरे भाड़ में गई ट्रेनिंग, अभी जान बचाओ, चलो। और सुनो, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक लौट के मत आना वापस, जाओ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों फंसा रहा है। हाँ झगड़ा काफी पुराना है, लेकिन आज तक किसी की हत्या तो हुई नहीं। मारपीट करना भी तो क्राइम है सरपंच जी। अरे उस दिन तो ये लड़कू थोड़ा नशे में था, पी लिया था,
हमने डांटा उसको, उस दिन के बाद तो हम ही डरे डरे घूमते हैं, परिवार तक को शहर भेज दिया है। हाँ, हमें भी अफसोस है इस बात का कि गांव में इतना बड़ा कांड हो गया। मदन बड़ी आदमी था पर उसकी किस्मत ख़राब थी, जो डकैतों के रास्ते में आ गया। डकैती राह चलते तो नहीं करते हैं सरपंच, चाय बहुत अच्छी थी। फिलहाल चलते हैं, जरूरत हुई तो फिर मिलेंगे। अरे पंचायत का सामान हटवाओ ना। मिश्रा जी को बोला मैंने, हटवा लेंगे। मिश्रा जी, ये केस डकैती का लग रहा है, आपको क्या लगता है? देख, सोना चोरी हुआ तो कहीं ना कहीं बिकेगा जरूर। सर ना ठीक कह रहे हैं, तीन लोगों के फुटेज मिले थे और आसिफ गैंग में भी तीन ही लोग हैं। हम ना बेकार का इस गांव में सड़ रहे हैं। रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, तुझे रस्सी नहीं खटक रही? मतलब चोर अगर रस्सी लाते तो अपनी खुद की लाते ना। चल मान लिया वो साड़ी लेके आए तो नीचे से साड़ी फेंकी होगी, ऊपर से किसने बांधी सवाल ये उठता है। वो डकैत नहीं लाए थे साहब, वो तो हमारी सासू माँ की साड़ियाँ थी। अरे कहाँ जा रही? सॉरी सर, वॉशरूम चला गया था। अब आप बाहर बैठिए, खाना खा लेंगे साहब, उसके बाद मिलेंगे। मिश्रा जी ठीक है, ठीक आप बैठिए बैठिए बैठिए। तो नंदिनी जी देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी सासू माँ ने नीचे आंगन में कपड़े सुखाए हों और उसी कपड़े यानी कि साड़ी का इस्तेमाल किया उन चोरों ने। वो तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी देवांशी कभी ऊपर से नहीं कूदेगी, उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था साहब। आपको किसी पर शक है? हमें किसी पर शक नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये कोई चोरी डकैती का हादसा नहीं है जो इसे बनाया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में जो 17 चीजें चोरी हुई हैं उसमें से आधी के बारे में ना तो हमें पता ना ही हमारे पति को कि ऐसी चीजें हमारे घर में थी भी या नहीं। देखो प्रिया, तुम उसकी अच्छी दोस्त हो, इस समय अगर कोई इसे इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ तुम। अच्छा ये मान लो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ होता तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हें इंसाफ दिलाती कि नहीं? सर मैंने आपको कहा ना, मेरी बहन का उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग खानदानी लोग हैं। सर सर गुड्डू देवांशी को पसंद करता था। देवांशी गुड्डू को पसंद करती थी? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो तुम? सारे। अरे वो नेम बाजी जिसमें तीर को निशाने पे मारते ना, उसमें चैंपियन है गुड्डू। तो तीर कभी निशाने पे लगता भी है कि बस कोशिशें करते रहते हो? निशाना मेरा एकदम पक्का है, तीर हमेशा निशाने पे ही लगता है। आई लव यू देवांशी। सॉरी देवांशी। देवांशी को जब पता चला कि गुड्डू स्पोर्टमैन नहीं बल्कि कसाई है तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। तो तुम्हें गुड्डू की सच्चाई पहले से मालूम थी? सब कुछ जानने के बाद भी तुमने गुड्डू को देवांशी से मिलवाया क्यों? अगर तू चाहती है कि ये वीडियो वायरल ना हो तो मुझे अपनी दोस्त देवांशी से मिलवा, वरना ये वीडियो तो वायरल हो गई है और तेरे साथ भी। प्रिया अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो तुम्हें पुलिस में आना चाहिए था, तुमने क्या किया? तुमने उस गुड्डू को देवांशी से मिला दिया। अखिल चौधरी को जानती हो? देवांशी का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। बेटा कहाँ है आपका? बम्बई गया है। क्यों? क्यों मतलब? पढ़ाई के सिलसिले में कॉलेज ढूंढने गया है। अच्छा चलिए बढ़िया, बुलाइए उसे। The number you have called is currently switched off. Please try again later.
का फोन बना रहा है, जब बात होगी तो बुला लूंगा। धन्यवाद। वो पोस्टमार्टम डॉक्टर से बात हो, सबसे पहले कौन मरा बाद में कौन मरा ये बताना मुश्किल है। ये सारे मर्डर्स आधे घंटे तक हुए होंगे। वो इनिशियल रिपोर्ट तो दी होगी? मांगा मैंने, बोला फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए ऊपर से प्रेशर था। ऊपर से मतलब? पूछा मैंने, बोल रहा कि आप मेरी नौकरी पीछे पड़ गए हो। बताओ यार, एक आम से परिवार का केस इतनी जल्दी रफा दफा कर दिया, कौन कर रहा है इसकी पैरवी? सब क्या हुआ? अरे वो तो तू बताएगा ना। अरे सर, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं उस रोज था भी नहीं गाँव में, तभी तेरी बहन के यहाँ भाग के आया तू। सर शर्ट मिली इनके बैग से, इसको एक फोन का दबा भी। आपको चालीस को वाड़ी में लेके जा। प्यार लेवल देख के होता है क्या साहब? उसने मुझे ठुकरा दिया, पर मैं उससे सच्चा प्यार करता था। तेरे फोन की लोकेशन है हमारे पास। जिस रात देवांशी का मर्डर हुआ उस रात तो उसके घर के आसपास ही था, और तेरी शर्ट पे खून के धब्बे मिले हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, सच सच बता दे। खून का मुझे पता नहीं, पर उस रात मैं देवांशी से माफ़ी मांगने गया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए मिला नहीं उससे। में कौन था? पता नहीं, तीन लोग थे शायद। एक का शर्ट समझ में आया, नीले रंग का कुछ प्रिंटेड शर्ट था। टेम्पो के साइड में एक बिच्छू का स्टिकर था। हाँ, बिच्छू का स्टिकर था। उसके बाद मैं वहां से चला गया। मंजू से बात की? हाँ बात किया मैंने। क्या बोल रही? खास नहीं बोली, रात में फोन करती हूँ। अरे उसको मैंने बोला था आज तक रिपोर्ट देने का। अच्छा देखते हैं, एक तो मिला ना हमसे। मिश्रा जी, साहब को कंगन दिए? नहीं अभी नहीं। अरे तो लेके आओ ना। ये गांव के बाहर एक सुनार को बेच गया था। सुनार ने बताया वो ताबीज और पठानी पहने हुए थे। आसिफ ही हुआ, मैं कह रहा हूँ। एक काम कर, इस केस की कार्यवाही हम संभालते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने गुड्डू हमें सौंपा। धन्यवाद की क्या बात है, हम तो हमेशा आपकी सेवा में खड़े हुए। एक सेवा और कर दीजिए, आपके मिश्रा जी की जरूरत पड़ेगी हमें आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला माहीपाल नगर डकैती से उठाया था, और ये वाला गुंजारी गांव। अरे नहीं नहीं, शेखोपुरा शेखोपुरा। और ये वाला पता नहीं साहब। तेरा तीसरा साथी कहाँ है? कितनी बार बताऊं, पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी का सारा माल उसी के पास है। ये बुंडवाल गांव में तुम लोगों ने चोरी की थी? वो गांव वाले तो खुद भूखे नंगे, उनके चोरी करने से क्या मिलेगा साहब? छोटी मोटी जगह चोरी नहीं करते साहब हम, बड़ी जगह हाथ मारते हैं। तेरे तीसरे साथी का नाम बता चल। मुकेश, उसकी भी बुरी माँ है, बेचारी को कैंसर है। गाँव के एंट्री पर एटीएम है, उसके सीसीटीवी से ये मिला। टाइम तो बिल्कुल सही है, गुड्डू ने यही बोला था। ये क्या कर रहे हैं आप? परमिशन है हमारे पास। ऐसा नहीं कर सकते आप। सर ये मिला है। आपका लकड़ियों का काम है ना सरपंच जी? हाँ तो? तो इन लकड़ियों को लाने ले जाने के लिए किसी टेम्पो की जरूरत तो पड़ती होगी। हाँ लेकिन अब ये मत कहना कि टेम्पो दिखाओ, क्योंकि हमारे यहाँ सारे टेम्पो किराए से आते हैं। पक्का? 100%। जहाँ से टेम्पो आता वहाँ का नंबर मिल सकता है? चलो आ जाओ बैठो। मिस किया मुझे? बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ एक मिनट, ये 8190 है
2810 बच्चे हैं, वो मैं तुम्हें कल तक किसी भी हालत में दे दूँगी। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं दे दूँगा वरना टाइम ख़त्म हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं करती हूँ ना, परसों तक का टाइम है हमारे पास। तुम हमें अपना नहीं मानते क्या? ऐसी बात नहीं है आखिर। अखिल थोड़ा रुकते हैं ना यार, देवांशी मुझे कभी कभी लगता है कि तू सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही है। रवि हाँ, जरा इसमें चढ़ना। हाँ कोशिश करो, कोशिश करो। अरे कोशिश कर यार, नहीं हो पा रहा। अगर इस पर कोई चढ़ नहीं पा रहा तो वो लोग कैसे चढ़े होंगे? और ये साड़ी ऊपर से बांधी कैसे हो गई? हरिहर ने कहा था कि उसके बाऊजी बिस्तर पर सोते थे, लेकिन बॉडी मिली थी या नीचे। स्ट्रगल हुआ होगा तो चादर खराब होनी चाहिए थी। मिश्रा जी इधर आइए। जी जी सर। लेटी इधर है, लेटी है। अच्छा। रवि हाँ। मिश्रा जी इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत है क्या? सॉरी सर। हरिहर ने कहा था कि उसकी अम्मा यहाँ सोती थी और उसकी बॉडी मिली थी यहाँ पे। अगर हरिहर के अम्मा और बाबूजी को यहाँ मारा गया नीचे, तो दिव्यांशी को हो सकता है लोटा गिरने की आवाज सुनकर दिव्यांशी नीचे आई हो और उनको देख कर डर कर वापस छत में चली गई हो। नहीं रवि नहीं, यहाँ बॉडी पेट के बल गिरी है। असल में दिव्यांशी जब गिरी थी तो वो पीठ के बल गिरी थी, जिसमें उसके सर पे चोट लगी है और उसकी पीठ टूटी है। सर पूरी तरह से फट चुका है। ए मिश्रा जी जरा बॉडी ले गई फटाफट जल्दी। अरे मिश्रा जी जल्दी आइए जल्दी आइए। रुकिए आप हटिए। रवि बॉडी को इस तरफ कर, 1 2 3 फेंको। मिश्रा जी फोटो दीजिए। रवि मैंने कहा था ना देवांशी अपने आप नहीं कूदी है, उसको किसी ने फेंका है जबरदस्ती। सवाल ये उठता है कि उसको ऊपर से फेंका क्यों गया? अगर उसको मारना होता तो उसके माँ बाप की तरह आराम से मार सकते थे। आई थिंक देवांशी वॉज अ टारगेट। ये गुस्से में उठाया गया कोई कदम है। पूरे क्राइम सीन को फ्रेम किया गया था सबको गुमराह करने के लिए। क्राइम के बाद ये चादर वापस क्यों बिछाई गई? रवि हाँ, भोपाल से फोरेंसिक टीम को बुलाओ। हेलो अभिषेक। अच्छा मैं निकल रही हूँ। हाँ क्या, कहाँ जा रही हो? अरे बताया तो था बैंगलोर जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा करण को जानवी के पास छोड़ दिया, तुम घर कब तक आ जाओगे? लेकिन तुम अकेली जा रही हो क्या? नहीं कोलिग्स भी हैं। कौन कौन है साथ में यार, मतलब किसके साथ रहोगे वहाँ? क्या हुआ अभिषेक, ऑल ओके? डोंट टेल मी दैट यू आर गेटिंग वरीड फॉर मी। अभिषेक मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और शहर से बाहर पहली बार नहीं जा रही हूँ। अच्छा एक सेकंड सुनो तो सही, सेंड मी द लाइव लोकेशन और जितने भी लोग तुम्हारे साथ हैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। बिल्कुल नहीं अभिषेक, अपने केस का प्रेशर इस तरफ मत डाइवर्ट करो। इतने साल से नौकरी कर रहे हो, द वे यू गेट अटैच्ड विद देम इज सफोकेटिंग। अरे लेकिन मोहिनी मुझे कैब ड्राइवर का कॉल आ रहा है, कॉल ही बाय। डरना मत है ना, ये अखिल का दोस्त है, इसने अखिल के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं शादी थोड़ी ना करनी है उसके साथ, बिरादरी से बाहर होना क्या उससे शादी करके? ऐसी लड़कियों को ना सिर्फ हटाओ शटा और हटाओ। जब शादी नहीं करनी तो टाइम पास क्यों कर रहा है? वो प्रहलाद को जानता है, देने के देने पड़ जाएंगे। चल दे फट, एक बार बस सोना है उसके साथ फिर कौन देवांशी और कौन पहला। चल वो आ गई है, कबड्डी एसोसिएशन में अप्लाई करना है ना उसके। पैसे वेस्ट क्यों कर रहा है? हाँ मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ, वो दे रही है। चल निकल देवांशी। ठीक है नमस्कार सर। क्या साहब पूरी दुनिया घूम ली है और हमको ही दर्शन नहीं दिए?
मैंने सोचा मैं ही दर्शन कर रहा हूँ जाकर। अच्छा किया, अब तुम आओ या हम आए बात तो एक ही। मीडिया और पॉलिटिशियन से बहुत दूर भागते हैं आप, पता किया है मैंने। लेकिन हमें पॉलिटिशियन मत समझिए, आज़ादी सेनानी हैं हम। अरे ये सब छोड़िए, चाय वाय पियेंगे, यहाँ का गाय का दूध बहुत अच्छा है। जानते हैं, और हम भी गाय का ही दूध पीते हैं, लेकिन अगर आपके साथ बैठ के पी लेंगे ना तो लगेगा कि अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ गए। मिश्रा जी। जी सर। जरा दो ग्लास गर्मा गर्म दूध लाइए। जी। ये क्या हो रहा है सर, पूरे के पूरा परिवार खत्म कर दे रहे हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। अरे आगरा हाथरस मतलब गिनवाने लगूं तो गिनती भूल जाऊंगा, किसी को कोई फर्क पड़ा? लेकिन अब पड़ेगा, क्योंकि अब हम ये अलाउ नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है प्रहलाद जी, आपने सेना तो बना ली है, लेकिन ये कतई मत सोचिए कि इस पूरे देश का कंट्रोल आपके हाथ में है। और एक बात बोलूं, बुरा मत मानिए, पॉलिटिशियंस की वजह से मीडिया हमारे लिए बवासीर बन गई। एक नाम है आपके लिए, अखिल चौधरी। चलते हैं, प्रणाम। पहला जी दूध। ये दूध आप पी लीजिए मिश्रा जी, हमारे लिए खुद आप लेकर आए इतना ही काफी है। गुड मॉर्निंग सर। ये तुम्हारी सरलोक वाली आत्मा को शांति के लिए मैं ओरकेस दूंगा ना तुम्हें, वहां सिर्फ तुम्हें पूछताछ करना था और वापस आकर उन रॉबर्स को पकड़ना था। सर लेकिन रॉबर्स छत से नहीं आए थे। अरे जहां से भी आए थे ना लोग अंदर। और ये जमींदार के बेटे का नाम क्यों आया, कोई सबूत है उसका खिलाफ? फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना इन्वेस्टिगेशन यही बाइंड अप करो, बाकी के काम लोकल टीम संभाल लेगी। तीन दिन बाद मिलते हैं मेरे ऑफिस में, फाइल सबमिट करो। मीडिया का प्रेशर है भाई मेरे ऊपर। मोबाइल क्यों फेंक रहे हैं, क्या हुआ? कभी देख, कभी दिमाग खराब हो रहा है, गाली वाली निकल जाएगी। हटे। अरे हुआ क्या है? जब वापस बुलाना था तो भेजा क्यों? तीन दिन में वापस बुलाया, केस क्लोज। यार ये मिश्रा जी कहाँ रह गए? अरे आप छोड़िए ना, गाड़ी आने वाली है। तुझे मालूम है चंदन अपने गांव में पकड़ा गया है। क्या चंदन पकड़ा गया? बड़ा भी होगा क्या, दो साल से भागा हुआ था, घर आने की क्या जरूरत उसे? अपनी बहन की शादी कराने आया था। उससे आसिफ के बारे में पूछ सकता है? तो उसने बताया कि दिल्ली में आसिफ। इस कांड के बारे में कुछ बोला क्या? तुझे लगता है बोलेगा? जितना शातिर क्रिमिनल होगा उतनी देर में सच बोलेगा। खैर परसों तो जाना ही है, मैं कुछ समझ नहीं आया तो तोड़ेंगे उसे। लो मिश्रा जी आ गए। अरे सर ये बाइक तो कभी भी जवाब दे देती है, अभी कलर कराया है इसने। आप जाइए, आप जाइए, आप मैं गाड़ी बनवा के लाता हूँ। मैं ठीक हूँ, पर आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, घर पे आके बात करूँगा। सारी बीवियाँ ऐसी ही होती हैं। ये गद्दा फोरेंसिक के लिए भेजो। ये वाली कैंप होती है? तुम्हारे गांव के बाहर जो एटीएम है उसके सीसीटीवी से ये फुटेज मिला है। ये वाली शर्ट की? हाँ, शायद। अभिषेक सर आप सही थे, मैट्रेस से सीमेन सैंपल और डीएनए सैंपल मिल गए हैं। लड़की का बलात्कार हुआ था, टोटल तीन लोग थे, गैंग रेप। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे दबी? हाँ नहीं सर। चल बता, 12 फरवरी को तेरा टेम्पो कहाँ था?
साहब याद नहीं है साहब, ये साहब भी पूछ रहे थे मुझे। अबे दिमाग पे थोड़ा जोर दे, अच्छे से याद कर कि तेरा टेम्पो 12 फरवरी को कहाँ था। उस रात यहाँ पर देवांशी और उसके परिवार को मार दिया गया, मर्डर हुआ है समझा, और उसमें तेरे टेम्पो का इस्तेमाल हुआ है। वो रात तो मुझे याद है, इसलिए ये भी याद है कि मेरा टेम्पो मेरे पास नहीं था साहब। अबे चमन वो तो हमें भी मालूम है, कहाँ था तेरा टेम्पो वो बता। आपका दोस्त हमारा दोस्त, ये लीजिए भैया चाबी। चल घनश्याम निकल तू। हाँ तो उस अखिल के साथ घूम रही है, वो लोग खुद को हमसे ऊपर समझते हैं, हमको मारते आए दबाते आए। ये दूसरी बिरादरी के लोग हमें दबाते आए हैं और हमारी बहन उनके साथ रिश्ता बना रही थी, इसलिए हमने प्रहलाद भैया से बात की और देवांशी को सबक सिखाया, फिर प्रहलाद भैया के साथ मिलकर पूरा केस अखिल के ऊपर डालने की कोशिश की ताकि उसको भी सबक मिले। अगर समाज सुधारना है ना साहब, तो सबसे पहले अपने ही घर से शुरुआत करना पड़ेगा। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इन सब का अरेस्ट रिपोर्ट फाइल करो और उस प्रहलाद को उठाओ। अभी अभी सर का फोन आया था, आपको अर्जेंटली भोपाल बुलाया है। अभी तुरंत? और अभी किसी को अरेस्ट करने से मना किया है। मैडम ये केस तो उलट ही गया है। हाँ हाँ मैं क्लोज करा दूंगा, फालतू में अलग लेवल पर चला जाएगा। वैसे भी मैडम इलेक्शन का टाइम है। हेलो सुन, बंदा गांव के देवांशी फैमिली मर्डर केस को रॉबरी बोलकर रफा दफा किया जा रहा है, असली कहानी जाननी है? फंदा गांव में हुए हत्याकांड के पीछे के घिनौने सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। 18 साल की देवांशी के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे मार दिया गया, उसके साथ उसके माँ बाप को भी मौत के घाट उतार दिया गया। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद देवांशी का भाई हरिहर था। देवांशी दूसरी जाति के लड़के को पसंद करती थी, इसलिए उसके भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। अभिषेक क्या हुआ, इतनी रात को फोन किया? मुझे समझ नहीं आ रहा है, जातिवाद के चक्कर में कोई इंसान हैवानियत की इज्जत तक गुजर सकता है? सोचा नहीं था यार, मतलब उस देवांशी ने क्या बिगाड़ा था किसी का। तुम प्लीज इतना मत। वेरी वेरी सॉरी यार, आई नो कि तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई रियली नीड यू वेरी बैडली। कॉन्फ्रेंस गया भाड़ में, यू कम फर्स्ट। मैं कल सुबह की पहली फ्लाइट से भोपाल आ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.